हेलो माय डियर, गुड मॉर्निंग। इस घर में पहली सुबह है और मैं नहा वहा के पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ। कान्हा का पूजा कर रही हूँ, तुलसी भगवान बाहर में है। और कान्हा के लिए मैं क्या लेने आई हूँ, चंदन। अभी चूँकि मैंने हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से रखा है तो मुझे याद है कौन चीज़ कहाँ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ढूंढना पड़ रहा है। तो मैं चंदन लेने आई हूँ और उनको चंदन अभी तुरंत मैंने रख दिया, क्योंकि चंदन लगा के मैंने अभी उनका पूजा किया है। उसके बाद मैंने कहाँ रखा है मुझे याद नहीं है। बेटा और बेटी वहाँ पे सोया है, ये देखेंगे। और अभी सुबह के अब 7:30 बज रहे हैं, लेकिन मैं 6 बजे ही उठ गई थी। मैं अपने कान्हा को आपको दिखाती हूँ। अभी मैं टेबल पर ही रख के इनको रेडी कर रही हूँ। ट्राईपोड वगैरह अभी मैंने नहीं निकाला है और यहाँ पर इनका स्नान वगैरह हो गया। ये जो फूल आप देख रहे हैं, ये है अपराजिता और बेल का फूल, ये सब यहीं बगान में ही है। और तुलसी के पौधे की भी कमी नहीं है। मुझे लगा थोड़ा सा चंदन लगा करके फिर मैं फूल चढ़ाऊँ, लेकिन चंदन मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो अब मैं इनका पूजा कर लेती हूँ। देखिए, मेरे कान्हा का भी घर में पहली पहली मतलब सुबह है और उनको अब पूरा सामान वैसे बिछा हुआ है। अभी तो टीवी लगाने के लिए आ गए हैं, कल उनका काम, अभी टीवी लगाने आए हैं। उनका काम कल अधूरा रह गया था, यहाँ पे ही उनको रखूँगी। और यहाँ पूजा के बर्तन वगैरह धो करके रखा है। अब मुझे याद नहीं है चंदन कहाँ है। अब मैं इनका पूजा कर लेती हूँ, चाय बनाऊँगी, मैं भी पीऊँगी, इनको भी दूँगी। नए घर की पहली सुबह का चाय। बेटी मेरी बहुत ध्यान से सुन रही है और ईयरफोन खा रही है। पूरा घर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। बने रहिएगा इस चैनल पर, जो नया है सब्सक्राइब करिएगा। इसीलिए एजुकेशनल चैनल पर 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे, आप लोगों को पता है। तो चलिए, अब मैं आगे मिलती हूँ आप लोगों से। थोड़ा सा खाना का मैं ध्यान से पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। हेलो माय डियर, अभी दिन के 2:15 बज रहे हैं। बेटा बेटी दोनों सोया है और मैं जगी हूँ। मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। अभी लगभग 90% सामान अरेंज हो गया है, थोड़ा सा बचा है। तो मैं बाहर आ गई, मैंने सोफ़ा का कवर यहाँ पर डाल दिया है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का, ये देखेंगे, ये है। अभी मैंने यहाँ पर सोफ़ा का कवर डाला, बिल्कुल मतलब गांव वाला फीलिंग आ रहा है कि आंगन है यहाँ पे। और थोड़ा ब्राइटनेस कम करके मैं दिखाती हूँ, ये देखेंगे इस तरह से। उधर से भी आते हैं और इधर से भी एक रास्ता है, ये अंदर की तरफ है। और सारा चीज़ यहाँ पे है, आम है, अमरूद है सबसे। मैं एक बार ब्राइटनेस कम करती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे बड़ी बात है क्या कि अगर आप पूजा करते हैं तो फूल की कमी नहीं होगी, बिलपत्र की कमी नहीं होगी। अपराजिता का फूल है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बेली का फूल, ये है बेली, ये है तुलसी का पौधा, ये अमरूद, ये अमरूद। कान्हा के लिए मुझे तुलसी का बहुत प्रॉब्लम होता था, ये सब यहाँ से वहाँ तक बेली का ही फूल है। ये नींबू है, वहाँ अपराजिता अभी फूला हुआ। आज मैंने फूल नहीं तोड़ा था, बहुत लेट से उठी थी। तो ये है अपराजिता। केला का है वृक्ष, बेलपत्र का वो बड़ा वाला पेड़ है, बेलपत्र का, शमी का पौधा, सारा चीज़ है। इधर से भी आ सकते हैं, उधर से भी। और ये मैं यहाँ पर मेरे तुलसी भगवान हैं। अभी जूता चप्पल भी मैंने यहीं पर रखा हुआ है, सब कुछ बाहर में। और यहाँ मेरा बेटा सोकर उठ गया, ये लोग भी थका हुआ था। लाख आपका कोई सामान शिफ्ट करने आता है लेकिन धूल वगैरह तो उड़ता है। और दोनों बेटा बेटी को परेशानी है, डस्ट से एलर्जी है। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ये जो कपड़ा डालने वाला था, उस मकान में क्या होता था, इसका बहुत दुरुपयोग होता था। बालकनी में भी उतना जगह नहीं था और कई, मैं तो एक डेढ़ महीना तक इसको बालकनी में मैंने छोड़ दिया था। और बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, पैसा जिसमें लगता है उसका केयर होना चाहिए, जगह ही नहीं रहता था। और अगर अंदर रखती थी इस पर कपड़ा पूरा लदा रहता था। यहाँ पर इसका मैं सही से दुरुपयोग करूँगी, क्योंकि ये जो मकान है कवर्ड वाला है। मैंने बिल्कुल मन में, कोई भी चीज़ आप अगर करने जाइए तो उसका पहले एक लक्ष्य निर्धारित करिए। जैसे होता है ना, क्या पढ़ना है उसमें कौन सा टॉपिक, अगर मैथ पढ़ना है तो उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। उसी तरह से मैंने इनको कहा था कि मकान लेना है तो ग्राउंड फ्लोर और कवर्ड वाला, दो चीज़ हमको मेरे दिमाग में चल रहा था। तो ये दो चीज़ तो मिल गया, लेकिन कि
मार्बल नहीं मिला तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मार्बल मिलना ही चाहिए। और ये लोग सोया था, मैं कपड़ा धो कर रखी थी, वाशिंग मशीन बाहर में ही चलाया था लेकिन अभी मैंने अंदर कर दिया है। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि वो मकान सही था ये सही था। यहाँ पर ना बिल्कुल गांव वाला फीलिंग्स होता है, बस इतना ही भर, फिर उधर निकलने के बाद, बाहर निकलने के बाद फिर उसी तरह से हो जाता है। और एकदम मतलब कि आप ये समझिए, तीन चार चीज़ हम लोगों ने, हमने दो चीज़ निर्धारित किया था कि एक कवर्ड वाला और एक ग्राउंड फ्लोर, ताकि बच्चा भी शाम में खेलने जाता है तो मैं साथ में जाऊँ। वहाँ उस मकान में मैं बालकनी से बार बार देखती थी, मेरा काम बहुत रुकता था, बाधित होता था, मैं नीचे नहीं आती थी, लगता था बच्चा खेलने गया है कुछ कुछ काम कर लूँ, और बालकनी से ही देखना पड़ता था। यहाँ ग्राउंड फ्लोर है तो मैं भी बाहर चली जाती हूँ, ये इतना बड़ा कैंपस है कि नीचे भी ये साइकिल चला लेता है आराम से, अंदर ही चला लेता है। तो इसी तरह का मैं चाह रही थी, और मेरे हस्बैंड चाह रहे थे कि इसी रोड में हो जहाँ हम लोग रह रहे हैं, इसी मोहल्ले में हो, बिल्कुल सड़क के किनारे हो। तो सब कुछ मिल गया लेकिन मार्बल नहीं मिला तो, और थोड़ा बाथरूम छोटा है। तो देखिए हर जगह हर चीज़ संभव नहीं होता है। और उसके बाद ये शाम का समय है तो कान्हा को मैं यहीं रखी हूँ, भगवान का रूम अभी अच्छे से शिफ्ट नहीं किया है। और ये जो सूट मैं पहनी हूँ ये मैंने अभी तुरंत बनाया, और पीछे का आप देख रहे हैं गला मैंने तुरपाई भी नहीं किया है, और अब मैं इसका सलवार यानी कि पैजामा बना रही हूँ। मैंने सोचा कि एक रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि एक दिन मैं मार्केट गई थी तो मैंने बहुत सारा सूट लिया है, मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। सूट का कपड़ा और सलवार दुपट्टा बिल्कुल अलग अलग लिया है, सेट वाला लेने के बाद मैं मुझे बहुत पछताना पड़ता है, ज़्यादा मैं पहन भी नहीं पाती हूँ और ख़राब हो जाता है। तो ये वो पिछले शाम का था, सूट सलवार सब रेडी हो गया था, ये अगले दिन सुबह का है। और मेरा बेटा का आज पीटी है, ये प्री पीटी ड्रेस है, ये स्कूल जाने की तैयारी में है, खाना पीना खा लिया है, पानी नहीं पिया है, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो इसके पापा बोले अच्छा मैं पानी पिला देता हूँ, इसके पापा पानी लाने गए हैं, आप पानी पिएगा और ये स्कूल जाएगा। इस तरह से मतलब अभी आने से तो एक दो दिन हुआ ही है, और सामने में ये जितना देख रहे हैं ना गार्बेज बांस वगैरह जो भी है, तभी इनका काम चल ही रहा है इनके मकान में, पेंटिंग वगैरह, तो ये सब हटवा देंगे तब ये हो सकता है बगान अच्छा लगे। यहाँ एक चीज़ तो है, बहुत शांति महसूस होता है, गेट खोलते ही ये हरा भरा चीज़ दिखता है, फूल वूल अभी भी देखिए बेली का फूल खिला हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट कर बताइएगा, उसके बाद मैं पूरा घर दिखाऊंगी आप लोगों को। रेडी करने में थोड़ा सा समय लगता है, कुछ सामान याद है कहाँ रखी हूँ, कुछ याद नहीं है, कुछ मैं तो उसी तरह सामान छोड़कर ताला लगा दिया था, तो अब ये स्कूल के लिए चला। और ये इसी तरह से बाहर निकलते ही बस मेन गेट यहाँ पर आ जाता है, और मेन गेट से निकलते ही आपका मेन सड़क आ जाता है। तो इस तरह से, तो डियर आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि कैसा है। और यहाँ पर तो मैं सोच रही हूँ फिर से एक बार रख लूँ काम करने के लिए, क्योंकि नहीं हो पाता है, छोटा बच्चा, इसका होमवर्क कराना, क्योंकि मैं ट्यूटर रखती नहीं हूँ, मैंने रखा भी नहीं है, मैं इसके लिए काफ़ी हूँ। मेरा भाई भी 10th तक पढ़ लिया था, मेरा भाई मुझसे बहुत छोटा है, लेकिन मैंने उसके लिए भी ट्यूटर नहीं रखा था, और बच्चा पढ़ने में ठीक रहे, शुरू से मैंने इसके पीछे बहुत मेहनत किया है, तो ये पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, इसकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है और थोड़ा स्लो लिखता है। पीटीएम में जाइए तो टीचर एक बुरा शिकायत लेके बैठ जाती है, तो मैं भी देती हूँ जम के जवाब कि ऐसे सब बच्चे को अगर आप शिकायत के नज़रिए से देखिएगा तो आपके स्कूल का नाम रोशन करने वाला यही सब बच्चा है। तो नहीं मैम, मैं शिकायत नहीं करती हूँ, मैं बोल देती हूँ हर जगह हर चीज़ साफ। और ये बाइक निकाल रहे हैं, अब ये स्कूल लेके स्कूल जाएंगे, उसके बाद हम लोग चाय वाय पियेंगे, फिर लगेंगे कामों में। और आपको बता दूँ ये 10 मई का है डियर, 8 मई को हम लोगों ने मकान देखा था, 8 मई से ही शिफ्ट होना शुरू हुआ था, 9 मई तक शिफ्ट हो गई थी, 10 मई के सुबह का ये है, और 12 मई को मेरा मैरिज एनिवर्सरी है, देखते हैं उसमें क्या कुछ कर पाते हैं, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। ज़्यादा तो कुछ नहीं करने का सोचे हैं लेकिन देखते हैं, और थोड़ा वीडियो लेट आया एडिट, आप लोग समझ रहे होंगे, थोड़ा परेशानी हो जाता है एडिट वगैरह करने में, ये देखिए कैसे गिरा, हरकत खूब करता है, बहुत बदमाशी करता है गिरा है, कोई बोल भी रहा है। चलिए डियर अपना ध्यान रखिएगा, मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, बन रहिएगा इस चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करिएगा डियर, बाय 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 डियर, बाय बाय, लव यू ऑल। और मैं अभी आपको पूरा मकान बाहर से दिखा देती हूँ क्या लुक है, ये देखिए इस तरह से अंदर आने के बाद यही वाला है मकान। पहले तो फर्स्ट फ्लोर लेने का ही सोचा था लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है इसीलिए वो नहीं लिया है, और ग्राउंड फ्लोर लिया है। तो ये वाला है पूरा लुक, ये पूरा यहाँ लास्ट तक है, और लास्ट वाला जो दो विंडोज़ दिख रहा है वही हम लोगों का बेडरूम गेस्ट रूम है। और फूल वगैरह देखिए बाहर में भी है, मुझे यहाँ पर फूल की कोई कमी नहीं लगती है, और साफ वगैरह भी हो जाएगा, काहे कि काम चल रहा है पूरा,
पेंट वगैरह। और यहाँ से अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद इधर भी कोई एक रहता है, और अंदर आने के बाद फिर थोड़ा सा टर्न लेते हैं तो हम लोगों का है।